hello my dear kids welcome back to the brain root series by amit publishing house i am vandana and we are learning english grammar of class 7 so children here is a book and the name of your book is grammar glitter odyssey today we are going to start with chapter number 14 and the name of the chapter is subject verb agreement so let's start the chapter in order to speak or write english correctly

So, अगर ऐसा होता है सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है तो हम कहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है और वर्ब है दोनों एक दूसरे के एग्रीमेंट में हैं एंड वी आल्सो कॉल दिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज आल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन कॉड भी कहते हैं नाउ लेट्स लर्न द फर्स्ट रूल दैट इज रिट इन यकॉर्डिंग टू पर्सन द गिंग टेबल शो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड पर्सन यहाँ पे एक टेबल दिया गया है यहां पर आपको बताया जा रहा है जो वर्ब है और पर्सन उन दोनों के बीच में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए द फर्स्ट यू कैन सी इन द फर्स्ट टेबल इट इज रिट इन पर्सन

ट अबाउट सेकेंड पर्सन मीन्स जो लिस्नर है उसकी बात कर रहे हैं हम सो लेनर के लिए हम प्रनाउन क्या यूज करते हैं यू और यू के साथ हम ये सारे वर्ब्स यूज करते हैं कौन कौन से वर्ब्स हैं आर वर है एग्जाम्पल्स आर यू आर अ गर्ल यू वर्क स्टूडेंट यू हैव अफ यू राइट नीटली नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पर्सन सो जब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं देन वी यूज द नाउन ही शी और इट एंड इनके साथ हम कौन कौन से वर्ब्स यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ई एस इन दिंगलर वर्ब्स एंड एग्जाम्पल्स आर शी इज अटाइलिस्ट शी वॉज प्लेइंग इट वॉज फोर इट हैज फोर लेक्स एंड ही स्टैंड इक्स्ट इज दे हम यूज करते हैं फॉर थर्ड पर्सन एंड दे के साथ हम कौन कौन से वर्ब्स यूज करते हैं आर वर्ड हैव वर्क की फर्स्ट फॉर्म एंड इन द केस वी यूज क्लुरल वर्ब्स हेयर Examples are written here. They are men. They were very dumb. They have their own fields. And they play cricket. Now, children, let's move on to the first exercise. Exercise A. And the question is the subject must agree with the verb in a sentence. As we all know, choose the correct verb for each of the following sentences. Here some sentences. इसमें हमें क्या करना है करेक्ट वर्ब को चूज करना है एंड राइट इन द ब्लैंक्स सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द माउस डैश चीज लाइक लाइकिंग और लाइक्स सो विल राइट लाइक्स द माउस लाइक्स चीज सेकेंड वन नीना डैश द बॉल थ्रू द बॉल थ्रोइंग द बॉल थ्रो द बॉल सो नीना थ्रू द बॉल next one the dog dash his bone the dog chew his bone the dog chewing his bone or the dog chewed his bone so here we will write the dog chewed his bone so children you have to complete the rest questions like this only read it and take the correct answer now the second rule says

टू सिंगुलर नाउन राम एक सिंगुलर नाउन है और दूसरा है. तो हमने पे क्या यूज किया एक singular noun है और आई एक सिंगुलर नाउन है शी एंड आई आर प्रेजेंट इन द पार्टी तो चिल्ड्रन आप यहाँ पे देखेंगे शी और आई दोनों ही सिंगुलर नाउन है इनके साथ हमने प्लूरल वर्ब को ऐड किया है सो so चिल्ड्रन यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स आप सब में देखोगे सिंगुलर नाउन दो सिंगुलर नाउन जब मिलते हैं तो हमें एक प्लूरल वर्ब को लिखना होता है नेक्स्ट इज इफ सिंगुलर सब्जेक्ट आर ज्वाइन विथ और नॉट ईदर और

तो आपने देखा है कि दो में की जब बात हो रही तो हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज किया है यहाँ पे भी रागिनी और गीतांजलि दो लोगों की बात की है यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है सिमिलरली लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट सिंगुलर वर्ब इज यूज आफ्टर ईदर नीदर ईच एवरी वन एंड मेनी सो यहाँ पे चलने लिखा है जो सिंगुलर वर्ब से यूज किया जाता है इन सारे वर्ड्स के बाद फॉर एग्जाम्पल इधर ऑफ द टू सिंगर सिंग दोनों में से एक सिंगर अच्छा टू so दोनों में से एक की बात हो रही है तो हमने यहाँ पेदर ऑफ द टू दोनों में से एक की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने हेज लिखा है ईच ऑफ द्लेयर्स प्लेर्स लिखा है एंड एवरी वन के साथ हमने नोज लिखा है मेनी आ प्लांट ज डाइट यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे हैज लिखा है एंड मेनी प्लांट हैव डाइट अब आप देखोगे की मेनी अ प्लांट है तो हैज आया मेनी प्लांट्स है तो हैव आया सो चिल्ड्रेन टू कीप ऑल इन माइंड ना फिफ्थ पॉइंट इज सिंगल वर्ब इज यूज विथ न्यूज पॉलिटिक्स

द न्यूज इज करेक्ट न्यूज को हम न्यूज ही कहेंगे चाहे सिंगुलर की बात करें या प्लूरल की न्यूज ऑलवेज न्यूज सिमिलरली कम्स विथ मैथमेटिक्स मैथ्स इकोनॉमिक्स एंड सिन वेजेज ऑफ सि वर्ड्स दिखते तो प्लुरल है बट ये वर्ड्स एक्चुअली में सिंगुलर होते हैं नेक्स्ट थिंकर वर्ब इज यूज जब दो या उससे ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट एक आइडिया को सजेस्ट करते हैं एक ही पर्सन से रिलेटेड हो या फिर थिंक से रिलेटेड हो तो सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है द फर्स्ट इज ब्रेड एंड बटर इज आ होल सम फूड तो यहाँ पे चल रहे ब्रेड एंड बटर को के लिए हमने इज यूज किया है द पोएट एंड द नॉवलिस्ट के लिए भी इज यूज हो रहा है स्लो एंड स्टडी के लिए भी विम्स यूज हो रहा है एंड द राइज इन दाइट इज यहाँ पे भी इज यूज हो रहा है दो डिफरेंट पर्सन को सजेस्ट करते हैं तो प्लुरल वर्ब को यूज किया जाता है फर्स्ट इज धोती एंड कुर्ता आर टू पीसेज ऑफ मेल ड्रेस धोती कुर्ता जो है टू पीसेस है मेल ड्रेस के तो यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही तो पे रहा है पोएट माय फ्रेंड एंड माय बेनिफैक्टर ही पर्सन है उसको दो नामों से बुलाया जा रहा है एक ही ड्रेस है उसको दो नामों से बुलाया जा रहा है द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर इन ऑफिस नाउ वेन टू सिंगलर नाउन विद एज एज जब दो सिंगलर नाउम्स को एज वेल एज वर्ड के साथलर वर्ब इज यूज तो ऐसी जगह पे सिंगलर वर्ब को यूज किया जाता है फर्स्ट इज जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज एट द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट

क्या किया है वर्ब को लिखा है यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग हमने एम को लिखा है यू को हमें नहीं देखना है माय फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे वर लिखा है He के ही के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हिज लिखा है वर्ब ऑफ सिंगुलर नंबर इज यूज विथ कलेक्टिव नाउन व्हेन कलेक्टिव नाउन इंडिकेट अ होल ग्रुप सो वर्ब जो होते हैं सिंगुलर नंबर के उन्हें यूज किया जाता है कलेक्टिव नाउन के साथ जब कलेक्टिव नाउन इंडिकेट करते हैं पूरे ग्रुप को फॉर एग्जाम्पल काउंसिल पूरे ग्रुप की बात हो रही है उसके साथ नंबर ऑफ बॉइस पूरे ग्रुप की बात हो रही है तो भी यहाँ पे इज लगा है एंड मॉक की बात हो रही है ये तो भी हमने वॉज लिखा है इलेवन पॉइंट वर्ब ऑफ प्लूरल नंबर इज यूज वेन कलेक्टिव नाउन शोज डिफरेंट पर्सन तो यहाँ पे इलेवन पॉइंट कह रहा है कि वर्ब जो है प्लूरल फॉर्म यूज किया जाता है जब कलेक्टिव नाउ अलग अलग पर्सन को शो करता है फॉर एग्जाम्पल द्रेक एंड दिल वॉज कॉल्ड आर्ट द मॉव वर्ड डिस्पर्स इन द ऑल डिरेक्शन

Christmas holiday new Delhi. So cousin spend S P E N D. -I. Next one, the students are planning. The students are planning a surprise party for their teacher. And neither Melody nor her sister like.

आर वेटिंग एट द बस्टा दिस अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू योर चौस ना लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर डी फिलिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट तो, so according तो ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए गए हैं उसमें हमें करेक्ट वर्ड को चूज करना है the class dash gives uh, dash given different suggestion the class has given different suggestions not a drum was heard my spectacles are missing from my back. the student of this class are very committed so like the children

so children complete the rest of the questions like this one day now let's move on to question number f write correct or incorrect after reading the sentences babies cry it is correct next my aunt or my uncle are arriving इन क्या आया गया यहां पे माय आंट और अंकल इज अराइविंग या तो आंट आ रही है या फिर अंकल आ रहे हैं सो लाइक दिस चिल्ड्रन फाइंड आउट द आंसर ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सो चिल्ड्रन आई होप दैट यू यूसर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay elated and thanks for watching.